रहता है जिसे पराया करने आई है। काश किसी को अपना या पराया करना इंसान के हाथ में होता। क्यों? आपके हाथ में तो सब कुछ है। भगवान ने आपको जिंदगी में हर खुशी दी और कुछ खुशियां तो आपको दो दो बार मिली। बदनसीब तो वो होते हैं जिन्हें जिंदगी में सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। तो आप घर जा रही हैं। घर का सुख भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। खैर, अगर आप घर जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैं आपके घर की तरफ से जा रहा हूँ। एक बार तो छोड़ चुके। मासूमियत में भी कितना परे हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि चेहरे के ऊपर के इस भोलेपन की धार तलवार की धार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। कुछ लोगों के हाथ तलवार की धार से खून पहुंचने के बावजूद साफ होते हैं। वाह। देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। मुझे मेरे घर का रास्ता मालूम है। मैं चली जाऊंगी मिस्टर कुनाल। क्या पता कि तुम्हारे साथ फिर किसी खून का इल्जाम लग जाए मुझ पर। वैसे बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते थे ना तुम। बहुत कम समय में काफी आगे बढ़ गए हो। हाँ, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपना सब कुछ खोया है। सुना है कि पैसे में बहुत ताकत होती है। जो चाहे खरीद लो। ऑटो। मॉम, सब कुछ ठीक तो है? आपने मुझे अचानक बुला लिया, बात क्या है? अब तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है देवयानी। अगर तूने अपना खेल बंद नहीं किया तो बहुत जल्द सब कुछ बिखर जाएगा। ये किस खेल की बात कर रही है मॉम? आप क्या कहना चाहती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ जान के अनजान बनने का नाटक मत कर देना। मैं तेरी माँ, तेरा सच और तेरा झूठ मुझसे नहीं छुपा है। तू क्या समझती है कि तेरे मन में जो आएगा वो तू करेगी और तुझे रोकने वाला कोई भी नहीं? ऊपर भगवान है और उसके सामने किसी की नहीं चली। अरे पगली, कम से कम भगवान से तो डर। आखिर मैंने किया क्या है मॉम? मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे ऐसे बातें कर रही है? मैं सब कुछ जानती हूँ देविया, और मेरे सामने मासूमियत का नाटक मत कर। यशपाल जी के घर में जो बंटवारे की बात चल रही है उसमें जरूर तेरा हाथ। मॉम, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं और उस घर में बंटवारा, ऐसा कैसे कह सकती है मॉम? कैसे? ये मेरी सोच नहीं, ये तेरे करतूत। और मैं तो सिर्फ तेरे गुनाहों की कहानी तेरे सामने दोहरा रही। अरे राधा यहाँ आई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दी। सोच देवयानी, तेरी माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसे
उसकी बेटी के करतूत मालूम पड़े। राधा, अब आपको अपनी बेटी से ज्यादा गैरों पे भरोसा होने लगा है। आपका प्यार तो मैं खो चुकी हूँ, क्या मैं आपका विश्वास भी खो चुकी हूँ? मेरा भगवान गवाह है कि मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार किया। तू ही मेरी जिंदगी के जीने का मकसद थी, तेरे लिए मैंने सपने देखे। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन देवयानी, एक बात याद रखना, अगर यशपाल जी के घर में कोई भी दरार आती है या कोई भी रिश्ता टूटता है तो उससे पहले तेरा और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। और देवयानी, तू इस बात को अच्छी तरीके से याद रख। आइए आइए, आ गए आप लोग। अजय राधा इंटरप्राइजेस की नई डील फाइनल करके। ये रवि का कहना है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? अपने लाड़े से खुद पूछ लीजिए। भैया आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रवि, ये मेरा भाई है, छोटा भाई। अरे ऐसा छोटा भाई होने से तो अच्छा है मेरे को भाई नहीं होता। आज तक रिश्तों को कुछ नहीं समझा हुआ, कुछ भी नहीं। और इसके साथ एक छत के नीचे मैं सांस ले लूं। आपका प्यार चाहिए भैया। तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, मेरी जान चाहिए। आपकी जिंदगी के लिए ये भाई अपनी जान दे देगा। ये घर, ये बिजनेस सब आप ही का तो है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया भैया, इस परिवार के हिस्से मत कीजिए। मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ, तुमने मेरी जिंदगी नर बना दी। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में बड़ा बन गया। ना मैं रहा हूं और ना तुम, तो वो अजय भी नहीं रहे जिसे मैं जाता हूँ। तुम अपना विश्वास खो चुके, और जैसे जैसे में विश्वास खत्म हो जाता है वो रिश्ता एक। अजय, अजय तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो पापा जी का क्या होगा? हाँ, मम्मी जी को कौन संभालेगा? अजय इस तरह दिल छोटा मत करो। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है राधा। भैया अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वो अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है राधा। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं इस घर का क्या होगा। मैं पापा को क्या दिलासा दूंगा, मां को क्या कहकर समझाऊंगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा राधा इस घर में, सब कुछ। अजय, ये मायूस होने का वक्त नहीं है। हमें इस घर को बचाना है, अपने घर को बचाना है, और इसके लिए हम हर कोशिश करेंगे। हम सब कुछ करके तो देख चुके ना राधा। भैया अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अजय, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई। मैं देवयानी दीदी की मम्मी से मिलकर आई। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो देवयानी दीदी और रवि भैया से बात करेंगी, और देवयानी दीदी मान गई ना अजय, तो रवि भैया अपना फैसला बदल देंगे। देवयानी दीदी की कोई बात नहीं डाल सकते, बहुत प्यार करते हैं ना उनसे। और मुझे पूरा भरोसा है माँ जी की बात नहीं डालेंगे। काश, काश तुम्हारी बातें सच साबित हो। अजय, इस घर के टुकड़े नहीं होने देंगे हम।
मैं अंदर आ सकता हूँ रवि अग्रवाल? पापा ये सब रिश्तों का वास्ता दिल से होता है रवि अग्रवाल, रिश्ते रिश्तों का नाम लेकर नहीं बनते। जिंदगी के रास्ते पर पूरी जिंदगी साथ चलकर एक रिश्ते को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पापा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, एक्चुअली इसी बात का अफसोस है मुझे कि अपनी औलाद को समझने में पूरी जिंदगी निकल गई। तुम्हें बंटवारा चाहिए था, अपना हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? मैं करता हूं था, मैं करता हूं हिस्सा, तुम्हारे बचपन से शुरू करते हैं। ये तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक हर साल तुम्हारे पैदा होने के बाद अपनी बुढ़ापे की पूंजी समझकर हम इसे संजोगे रखते हैं। करण का हिस्सा कहां से बांटोगे इन्हें बोलो? ये वो यादें, तुम्हारी तस्वीरें, निकाल लो इनमें से अपनी यादें जिनमें सिर्फ तुम्हारा हक है। लो याद है, याद है तुम्हें ये खिलौना, ये खिलौना तो तुमने और अजय ने साथ खेल खेल के इस धरती पर, इस मकान में, इसकी नींव में पहले कदम रखे थे, अपने चलना सिखाना। तो आज उसी जमीन को तुम बांटने की सपना देख रहे हो। बांटो कहां से करते हैं इससे, इस जमीन की करो इससे, क्या कीमत लगाओगे इनकी? बोलो रवि, बोलो। याद है तुम्हें आज ऐसे छीन कर तुमने तुम्हें छुपा दिया था? याद है, याद है तुम्हें अचानक वो आंसू जो उसने रात भर बहाए थे? करो उसका हिसाब, क्या बोल रहा थे वो रात भर का? और ये है मेरी आज तक की कमाई हुई पूंजी, मेरी जमीन जायदाद। करो इसके हिस्से तो चाहिए, करो इससे। पापा नहीं यशपाल अग्रवाल खड़ा है तुम्हारे सामने, जो आज तुम्हारे जन्म का तुम्हारे पास कर्ज चुकाने आया है। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपने उस भाई से हिस्सा मांग रहे हो जिसके हिस्से का हर सुख तुमने बचपन से आज तक उससे छीना है? पापा बस ले नहीं जानते, अगर आप अजय की हकीकत जानते तो आप ऐसा नहीं कहते, आप भी वही कहते जो मैं कह रहा हूं। मैं गलत नहीं हूं पापा, आप नहीं जानते, आपके पीछे अजय ने मेरा कैबिन चलाने की कोशिश की, मुझे जान से मारना चाहता है वो। पापा अजय मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रवि भैया? आप जानते हैं अजय भैया आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। अजय भैया को गलत समझ रहे हैं, आप नहीं जानते अजय भैया आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। तारा तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं भी इसी भ्रम में आज तक जी रहा हूं और वो भ्रम आज टूट गया है। अजय की असलियत से मैं अब जाके वाकिफ हुआ। मैं नहीं जानता था तारा बेटी कि वक्त ने रवि अग्रवाल के दिल में नफरत की इतनी गहरी खाई होती है। इसकी आंखों पे झूठ का ऐसा पर्दा डाल दिया कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब वही होगा रवि अग्रवाल, वही होगा जो तुम चाहते, वही होगा। बताओ तुम्हारे मां और तुम्हारे बाप के दिल का कौन सा हिस्सा चाहिए तुम्हें? बताओ तुम, वही होगा। कहाँ खो गई
कभी भी खंडर में बदल सकता है डैड। इंतजार है तो ऐसे किसी तूफान का जिसका सामना करने की उस परिवार में ना तो हिम्मत हो ना ही ताकत। नहीं बेटी, आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्जी से और अपने बलबूते पे किया है, इसलिए हमें तूफान का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे हाथ में एक ऐसा अवतार है जिससे हम यशपाल की जिंदगी खत्म कर सकते हैं। ये क्या है डैड? ये उसका मेडिकल रिपोर्ट है जो मैंने अस्पताल से मंगवाया है, और उसमें साफ अक्षरों में लिखा है कि उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है और बहुत ही जल्द उसे छोड़ के जाने वाला है। बेचारा यशपाल, उसके घर में उसके बच्चे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और यहां पे उसका दिल उसे अलग होने जा रहा है। बेटी, तुम उस खानदान की बहू हो और मुझे पूरा यकीन है तुम अपने ससुर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखो। क्यों? जरूर है, मैं आपकी बेटी होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपने ससुर जी का और खास करके उनके दिल का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। मेरा अगला वार अब उनके दिल पर ही होगा, और ये वार कहां और कैसे करना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूं।